अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं छोटी बच्चियों के लिए फ्रॉक्स के डिज़ाइंस लेके आई हूँ, जो खवातीन घर में बच्चियों के लिए खुद ही कपड़े स्टिच करती हैं उन खवातीन के लिए ये वीडियो है। ये सारे डिज़ाइंस जो हैं बहुत ही नाइस हैं, सारे डिज़ाइंस एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट हैं और यूनिक स्टाइल्स हैं। आप लोग इन डिज़ाइंस को अपनी बच्चियों के लिए खुद ही घर में बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ डिज़ाइंस दिखाना चाह रही थी कि यूनिक स्टाइल के लेटेस्ट जो डिज़ाइंस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। इनमें बहुत नाइस नाइस डिज़ाइंस हैं और सारे डिज़ाइंस इतने इजीली हम बना सकते हैं, क्योंकि इनमें कुछ मैंने क्लोज पिक्चर्स भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं, आप लोग देख सकते हैं। वैसे तो फ्रॉक्स को देख के ही बंदा अपने माइंड से ही डिज़ाइन को बनाता है, लेकिन इधर मैं आप लोगों के साथ क्लोज पिक्चर्स भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग इन्हें क्लोजली देख के ईज़िली घर में कपड़े स्टिच कर सकें। आसानी से ये कपड़े घर में स्टिच हो जाते हैं। इनमें कुछ लेसिस भी लगाए गए डिज़ाइंस भी हैं और कुछ सिंपल में भी हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, समर में ज़्यादातर बच्चियों के लिए फ़्रॉक्स ही बनाए जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चियों के लिए इजी से कपड़े तैयार किए जाते हैं ताकि बच्चियां जो हैं उनमें इजी रहें। तो ये सारे डिज़ाइंस जो हैं मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ताकि आप लोग घर में ही इनको स्टिच करें। बाज़ार से लेने से बेहतर है कि एक तो बाज़ार से जब हम रेडीमेड कपड़े लेते हैं तो उनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा होती है। जब हम खुला कपड़ा लेके खुद ही घर में बच्चियों के लिए फ़्रॉक्स या शर्ट्स वगैरह स्टिच करते हैं तो वो हमें बहुत ही मुनासिब पड़ते हैं। एक तो उनका रेट भी कम होता है, दूसरा ये कि हम खुद अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी डिज़ाइन जो है कपड़े पे खुद ही तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं आप लोगों को ये डिज़ाइंस कैसे लगे। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नई और प्यारी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।